हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो प्रोसीजर है दैट इज़ बेड मेकिंग। आज हम लोग बेड मेकिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि क्या क्या आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होता है फॉर बेड मेकिंग, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ वन बॉटम सीट, वन टॉप सीट, वन मैकिनटॉस, वन ड्रॉ सीट एंड टू पिलो विथ पिलो कवर्स। ओके, दिस आर आर्टिकल्स रिक्वायर्ड फॉर अ बेड मेकिंग, ठीक है। तो हम लोग बेड मेकिंग करके दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेड मेकिंग में। ओके, तो बेड मेकिंग करने से पहले टू पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए। फर्स्ट इज कि जब भी बेड मेकिंग करें तो विथ बॉडी पोस्चर हो मेंटेन करें, बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन करें। इसलिए जब कभी भी हम झुके बेड मेकिंग करते समय तो हमें नी को बेंड करना चाहिए, नी को बेंड करके तब हमें झुकना चाहिए ताकि बैक पे प्रेशर ना बने और हमें बैक पेन ना हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि जो भी तरीका हम लोग यूज़ करें बेड मेकिंग में, उससे जो भी हम लोग फोल्ड करें या स्प्रेड करें बेडशीट को, उसका जर्म दूसरे तक ना पहुंचे, जो क्रॉस इन्फेक्शन को मेनली वो प्रिवेंट करे। तो ये टू पॉइंट्स हमेशा हम लोगों को माइंड में रखना चाहिए। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं बेड मेकिंग प्रोसीजर। तो बेड मेकिंग प्रोसीजर में फर्स्ट आता है क्लीनिंग ऑफ द बेड एंड कॉट। तो इसके लिए हम लोग एक मीटन बनाते हैं। तो मीटन के लिए एक मैंने हैंकी लिया है। तो देखिए कि कैसे मीटन हम लोग बनाते हैं। मीटन के लिए हम लोग एक लिए हैं हैंकी को, उसको इस तरीके से हम लोगों को फोल्ड करना है, ठीक है, और इसे यहाँ पे हमें टक करना होगा, ठीक है। तो इस टाइप का मीटन बन जाएगा। मीटन से हम लोगों को कॉट को क्लीनिंग करना है, ठीक है। तो फुटन जो साइड होता है दैट इज इसे माना जाता है मोर कॉन्टामिनेटेड, और हेडेड साइड इसे माना जाता है लेस कॉन्टामिनेटेड। तो हमें जब कभी भी क्लीनिंग करना चाहिए तो लेस कॉन्टामिनेटेड टू मोर कॉन्टामिनेटेड एरिया को क्लीन करना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्लीन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉट को इस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है, और सबसे पहले बैक साइड्स के एरिया को हम लोग क्लीन करते हैं। तो इसमें भी टू मेथड्स होते हैं, ड्राई डस्टिंग और वेट डस्टिंग, ठीक है। तो ड्राई डस्टिंग से हम लोग पहले इस कॉट के एरिया को इधर बैक साइड्स में हम लोग करेंगे। सेम प्रोसीजर हम लोग इधर साइड से भी होगा, ठीक है। तो पहले बैक साइड करेंगे। एक हमारे पास किडनी ट्रे होना चाहिए जिससे कि हम लोग जो भी इसका डस्ट आए वहाँ पे हम लोग उस डस्ट को कलेक्ट कर पाए इस तरीके से, ठीक है। तो इधर अगर इनर साइड का प्रोसीजर अगर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग फिर इधर साइड के प्रोसीजर को जो कि फुट एंड साइड होता है इसको भी सेम प्रोसीजर में हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ड्राई डस्टर से हम लोग जो भी डस्टिंग होगा डस्ट होगा उसे इस प्रोसेस से हम लोग क्लीन करेंगे, ठीक है। और फिर ये जो होगा फुट एंड साइड में उसको भी हम लोग ऐसे से क्लीन करके यहाँ से हम लोग इसे एक किडनी ट्रे, मान लीजिए अभी किडनी ट्रे मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि किडनी ट्रे है, उसे हम लोग डस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्राई डस्टिंग करने के बाद में जो ऊपर वाला एरिया होगा पॉट होगा उसे भी एज अ ड्राई डस्टर हम लोग इस तरीके से क्लीनिंग करना है। तो जो भी होगा फुट एंड साइड से हेड एंड साइड से फुट एंड साइड की ओर आना चाहिए जो भी डस्टिंग है, ठीक है। तो इस तरह से क्लीनिंग करना है, ठीक है, इस टाइप से क्लीनिंग कर लूंगी। उसके बाद में वेट डस्टर तो यूज हो गया, उसके बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेके सेम प्रोसेस को हम लोग वेट प्रोसेस के थ्रू इस फिर से एक बार क्लीनिंग करेंगे सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो ये टू टाइम्स होना चाहिए, ड्राई एंड वेट, ठीक है। तो इसके बाद में जब क्लीनिंग प्रोसीजर हो जाए उसके बाद में इसे हम लोग डिस्पोज कर देंगे, ठीक है। मीटिंग को डिस्पोज करने के बाद में क्लीनिंग प्रोसेस इसका हो चुकी है। अगर इसका कॉट का इस साइड रेल अगर गंदा है तो इसे भी हम लोग क्लीन कर लेंगे, ठीक है। ओके, फिर हम लोग अब इसे डिस्पोज कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ेगी हमें That is bottom seat. Okay. तो
बॉटम शीट जब हम लोग प्लेस करेंगे इसको, तो देखिए इसे मैंने फोल्ड करके रखा है, अब हम लोग इसे प्लेस करने जा रहे हैं। बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आता है दैट इज मीट एंड कॉर्नर। मीट एंड कॉर्नर को कैसे बनाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मीट एंड कॉर्नर कैसे बनाते हैं। तो देखिए मीट एंड कॉर्नर के लिए सबसे पहले जो पीछे वाला पार्ट होगा बेडशीट का, उसे हम लोग इससे टक करेंगे। इस तरीके से टक करने के बाद में ये जो इस पोर्शन को लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करने के बाद में ये जो पोर्शन हैंग कर रहा है बेडशीट का, उसे हम लोग ऐसे टक करेंगे। टक करने के बाद में ये जो कॉर्नर बनता है, जो कि 45 डिग्री पे बनता है कॉर्नर बेडशीट का, दैट इज नोन एज मीट एंड कॉर्नर। ठीक है, मीट एंड कॉर्नर इसी तरीके से बनता है और इसे हम लोग टक करते हैं। तो ये जो कॉर्नर होना चाहिए वो चार कॉर्नर पे बेडशीट, ये जो भी कॉट है उसके चारों कॉर्नर पे ये कॉर्नर जरूर होना चाहिए, ताकि इससे ही बेड मेकिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट लगता है और इसके बिना ये अधूरा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसका अच्छे से प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेड सीट छोटा है इसलिए हम लोग चारों कॉर्नर पर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन और सारे प्रोसेस हम लोग देखेंगे इसका बाद का प्रोसेस। ठीक है, तो एज अ बेड मेकिंग होने के बाद में, और जिससे कि हम लोग ने बॉटम सीट कहा है, बॉटम सीट प्लेस करने के बाद में इसके बाद में हम लोग पहले मैकिंटोस यूज़ करेंगे। मैकिंटोस जो होगा उसे हम लोग इस तरीके से प्लेस करते हैं, ये हमेशा रोल शेप में रहेगा। ठीक है, तो हमें जब भी प्लेस इसे करना होगा तो हमें रोलिंग करके इसे रखा जाता है। ठीक है, इसका फोल्डिंग रोलिंग इस टाइप से होता है। इसे प्लेस करने के बाद में इसे हमेशा फुटेड साइड से 35 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लेस करना चाहिए। इसके बाद में इसे हम लोग इस टाइप से टक कर लेंगे। उसके बाद में ड्रॉशीट की बारी आती है, तो ड्रॉशीट को हम लोग इस तरह से ही प्लेस करेंगे। मैकिंटोस के ऊपर में ड्रॉशीट हम लोग लगाते हैं, ताकि जो भी पेशेंट का जो भी एरिया हो, पेरिनियल एरिया से जो भी गंदगी बॉटम सीट को ना पहुंचे, बॉटम सीट तक गंदगी ना आए, इसलिए हम लोग मैकिंटोस और उसके ऊपर में ड्रॉशीट को प्लेस करते हैं। तो सेम प्रोसीजर हम लोग इसके लिए भी करेंगे, ड्रॉशीट हम लोग प्लेस करेंगे। एंड इसके बाद में ड्रॉशीट के बाद में हम लोग टॉप सीट को प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो टॉप सीट जो होगा, टॉप सीट के साथ में ब्लैंकेट भी हो सकता है। इन समर सीजन हम लोग कॉटन बेडशीट भी यूज़ करते हैं, और ठंडी के समय में, विंटर के सीजन में हम लोग ब्लैंकेट भी इसके साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। रखा है लेकर, तो ब्लैंकेट के ऊपर में हम लोग इसे ऊपर की ओर इस टाइप से प्लेस करेंगे, और इसके अंदर में क्या होगा, ब्लैंकेट होगा। तो ब्लैंकेट कभी भी हम लोग को डायरेक्टली बॉडी में टच नहीं करना चाहिए, वो इरिटेटिंग होता है। इसलिए जो कॉटन जो सॉफ्ट मटेरियल होता है, सॉफ्ट जो सीट होता है, इसे हम लोग यूज करेंगे, और वो ऊपर होना चाहिए, इस कंडीशन में होना चाहिए अगर हम लोग ब्लैंकेट लेते हैं तो। उसके बाद में जो इसका सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है टॉप सीट का, उसे हम लोग सेम यहाँ पे टक करते हैं साइड में। ठीक है, विथ मीट एंड कॉर्नर भी हम लोग टक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मीट एंड कॉर्नर इसे इसका हम लोग मीट एंड कॉर्नर भी बना ले सकते हैं इसका। ठीक है, ये साइड में सिर्फ कॉर्नर,
या समटाइम्स हम लोग इसे टक करके भी छोड़ देते हैं, लेकिन मिडल कॉर्नर बनाने से ये बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखने में लगेगी। ऐसे टाइप से नहीं करेंगे, पूरे तरह से इसको कवर नहीं करेंगे ताकि फिर लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसे यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। तो फिर इसको हम लोग लास्टली टू पिलोस हम लोग प्लेस करेंगे और एडिशनल पिलो अगर रिक्वायर्ड है पेशेंट के लिए तो उसे भी हम लोग प्लेस करेंगे। इसके साथ में हॉट वाटर बैग्स, कोल्ड वाटर बैग्स, सैंड बैग्स, पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट के कंफर्टेबल या उसका अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग उसे भी प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये था बेड मेकिंग प्रोसीजर। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग भी बताऊंगी। ये मेनली आपका ओपन बेड एंड क्लोज बेड टाइप है, या इसे बोल सकते हैं अनऑक्यूपाइड बेड है ये, ठीक है, जो मैंने आज बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि ऑक्यूपाइड वाला कैसे बनाते हैं, उसका फोल्डिंग अलग होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो ऑक्यूपाइड वाला जो बच चुका है वो मैं बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।